व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड इन अदर ब्लॉग। तो गाइस, इससे पहले यदि आपने क्लिप देखी होगी सनराइज, मतलब कितना प्यारा लग रहा था ना व्यू, तो मैंने यार इसका शॉर्ट ले लेती हूँ एक, तो कितना अच्छा लग रहा था ना। और मैं अभी बज रहे हैं, तो गाइस अभी 6 बज रहे हैं, 6:18 हो रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ इतनी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। 2 मिनट, अब उसको कैमरे को ऐसे पकड़। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ इतनी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करने लगी, है ना। तो क्योंकि आज हम लोग जाने वाले थे सुबह, जैसे उस दिन गए थे ना गौरीघाट, तो आज बहुत सारे लोग तो नहीं, आज मैं, मिष्टी और बाबू जाने वाले थे, लेकिन एक चुल हो गई हमारे साथ बहुत बड़ी। क्या हो गया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सबसे मेन चुल यही हो गई कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और ऐसे मत देख, कैमरे के पीछे बाबू है ना, ऐसे गंदी गंदी नज़रों से देख रहा है, वो भी उठ गया। तो मिष्टी भी बेचारी आई थी, और फिर जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो वो चली गई, मतलब उसको बोल दिया ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो चली गई। गाइस अब उठ गए हैं, और मैंने बोली थी जब बाबू आएगा नागपुर से तो हम लोग चैलेंज वीडियो शूट करेंगे। तो अब मैं डेली ब्लॉग्स तो कर रही हूँ, तो अगर डेली ब्लॉग्स के साथ अगर मैंने चैलेंज वीडियो वैसी नहीं, अगर मैंने डेली ब्लॉग्स के साथ मिक्स करके 24 आवर चैलेंज करा तो कैसा रहा मेरा आइडिया, अच्छा था ना, मस्त था ना। तो मैंने वो ही सोची हूँ आज, और इसको पता नहीं है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो बेसिकली ऐसा है कि मैं जो चैलेंज वीडियो शूट करने वाली हूँ ना, इसको पता नहीं है उसके बारे में, मैं कौन सी चैलेंज वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इधर आ जा भाई, इधर आ जा। तो ये तो मेन किरदार है आज के चैलेंज वीडियो में। तो सोच रही हूँ चैलेंज वीडियो, तो वो चैलेंज वीडियो 24 आवर्स चैलेंज भी होगा, प्लस वो ब्लॉग के उसमें मतलब पूरा डेली का 24 आवर्स तो डेली का ही रहता है, तो ब्लॉग प्लस 24 आवर्स चैलेंज। तो आज हमारा मतलब जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट, ये मेरा पहला 24 आवर्स चैलेंज है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाबू, आर यू एक्साइटेड? नो, अरे रे बैड रिव्यू। तो चलो ठीक है, मैं इसको बता देती हूँ, और मैं आप लोगों को ही बता देती हूँ मैं कौन सा चैलेंज वीडियो करी। वैसे आप लोग तो समझ गए होगे थंबनेल से, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ क्योंकि इसको तो पता चलना ही चाहिए ना। आओ, तो आज का चैलेंज वीडियो है मैं पहले एक और बात बता दूँ, जैसे मैं वो चैलेंज वीडियो इसको करवाऊँगी ना, तो अगर ये चाहो तो कल भी या परसों भी ये मेरे साथ भी कर सकता है, मैं ना नहीं बोलूँगी, लेकिन आज तो मैंने सोच ली ना। तो आज का चैलेंज वीडियो है कंट्रोलिंग माई ब्रदर फॉर 24 आवर्स। तो इसका आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली इतना वर्ड सब समझ सुन के आप समझ गए होंगे। तो मैं आज, अभी बज रहे हैं 6:30 हो रहे, मान लो 6:30 हो रहे, तो कल सुबह के 6:30 तक 24 घंटे रहेंगे कल सुबह के, तो कल तक मैं इसको पूरा कंट्रोल करूँगी, जो मैं इसको बोलूँगी, जो भी कुछ भी तेरे को करना पड़ेगा बाबू, हाँ कुछ भी मैं बोल सकती हूँ। तो कंट्रोलिंग माय ब्रदर फॉर 24 आवर्स, मेरे को सब इससे बेटर चैलेंज मुझे कोई लग ही नहीं सकता कि इसको कंट्रोल करना। बापरे भगवान, बोले ये मेरी क्यों बात नहीं सुनता है, लेकिन बाबू चैलेंज तो एक्सेप्ट, चैलेंज एक्सेप्टेड। बाबू ये जरा टी शर्ट नीचे रख देना यार, नीचे अच्छे से प्यार से, है नीचे, पनिशमेंट है इसकी, पनिशमेंट है। तो गाइज अभी हम लोग, आप सोच रहे हैं हम कहाँ पे हैं, तो गाइज अभी हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल डला रहे हैं, ऑब्वियसली पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही डलाएंगे, पेट्रोल पंप में कपड़े तो लेने जाएंगे नहीं, क्या है यार बाबू। तो गाइज अभी मेरा रिमोट, आज ये रिमोट है और ये रोबोट है। तो अभी हम जा रहे हैं बड़ी मम्मी के पास, और वहाँ जाके डायरेक्ट मिलते हैं आपसे, ठीक है, पेट्रोल भरा के बड़े मेरे लिए आपसे बता देते, बताया है ना, तो मिलते हैं वहीं पर, ठीक है। तो गाइज अभी ना ये लेटा है, इसको कुछ काम बता रही हूँ। बाबू बाबू बाबू, गुड बाय, मेरा भाई, पनिशमेंट याद है ना, रोड में नागिन डांस। हाँ बड़े मम्मी, बाबू खड़े रह, पागल है, उठ, 24 आवर्स पनिशमेंट याद है ना,
चल अच्छा ठीक है, पनिशमेंट कर लेते चल। सोच नहीं कि रात में क्या कर रहा था थोड़ा। हाँ दबा मल्ला नहीं है, जल्दी कर जल्दी तो गाइस अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो पूरा दिन बाकी है यार। आई एम वेरी हैप्पी। अलग चैलेंज मुझे पहले क्यों नहीं सोया, चलो अब मैं कल भी सोचूंगी कल मेरे को उसको क्या करवाना है। बाकी आज तो 6 बजे तक ना, मैं सुबह 6 बजे तक नहीं सोऊंगी और इसको सोने नहीं दूंगी। ब्लॉग बहुत लंबा होगा आज का, बहुत मज़ा आएगी। ठीक है चलो अभी देखते हैं लेटा है। तो यार गाइस अभी 10 बज रहे हैं और मैं नाश्ता वाश्ता सब यहाँ डन हो गया और इसको देखो सो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा सो रहा है तो इसको थोड़ा परेशान किया जाए। तो बाबू रोबोट हाँ, अब जरा पाई लेके आना ठंडा, बहुत प्यास लगती। और देख ऐसे बोल रहा है, उठ आज परेशान कर दूंगी इसको। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है चैलेंज में। आप कमेंट में बताओ मैं इसको परेशान करने के लिए और कौन कौन सी चैलेंज वीडियो पर, अब मैं करूंगी कौन नई चैलेंज वीडियो अभी भी चल रहा है। बाबू हाँ बड़े मम्मी, तो कहीं देखिए वॉशरूम गया, मैंने बॉटल खोली नहीं है पानी पीने के लिए, प्यास तो लग रही लेकिन नहीं खोलूँगी मैं ना। उसके आने के बाद बोलूँगी उसको ढक्कन खोल के, जो परेशान कर डालूँगी बहुत तेज। पूजे में भी जाना है तो आज उसको बोलूँगी कि मस्त बहुत सारे मैंने काम सोच के रखे बताएंगे तो उसको। बाबू बैठना, बैठ तो नहीं पहले बैठ उधर देख, जैसे मैं इधर इधर देख इधर, जैसे मैं तेरे को कोई भी काम बोलूँगी ना तो ऐसे करना, कैसे करना है इधर 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 खड़े सीधे सीधे हाँ बाबू सुन ढक्कन खोल लो पहले ऐसे कर हाथ से अच्छी बाबू कैसा लग रहा है आपको? आधा दिन निकला है, आधा दिन के अभी जाके सो जाऊंगा तो पूरा दिन कोई नहीं। 6 बजे तक सुबह 6 बजे तक तेरे को सोने नहीं दूंगी बाबू। आज मिलता है थोड़ी देर में, अब मैं सोच रही हूँ सीधे घर जाके मिलता है, घर जाके नहाना है और नहा के फिर हम लोग को पूजे में भी जाना है ना, तो चलो चलते हैं। ठीक घर जाके हम मिलती है, अब मैं छुट्टी करूँ घर जाकर। तो यार गाइस अभी बज रहे हैं 8:09 और मैं सोच रही हूँ कुछ इससे ऐसी चीज़ें कराऊँ कि, क्योंकि ये चीज़ मुझे सुबह 6 बजे तक करना है तो मैं तो रात भर आज सोऊंगी नहीं इसको, मतलब कुछ ना कुछ बताने के लिए इसको भी नहीं सोने दूंगी। तो मुझे मैं सोच रही हूँ क्या ऐसा करूँ कि बाबू बाबू रोबोट ए रोबोट खड़े, तो मैं अभी जोरदार एक गाना लगाऊंगी कैसे तेरे को बोली थी हाँ बोलने के लिए, हाँ तो बोलनी पड़े। तो गाइस अभी मैं देखो मैं अभी लगा रही म्यूजिक चैनल, आज को छम्मक छल्लो बना ही रहे तो लगा के
पूरा 1 मिनट तक डांस करेगा ये, और एक मिनट तक और पूरा स्टेप में नाचेगा, ऐसे ऐसे नहीं। चलो आगे 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 सामने तो देखा, मुंह तो देखा, मैं नहीं कर देख रहा है। तो गाइज अभी इसने जितना भी डांस किया है ठीक है, क्योंकि गाना नहीं आ रहा है, तो मैंने जितना भी डांस किया बहुत अच्छा किया, तो अब मेरे को नेक्स्ट खुराफात तो यूज़ समझ आई। तो मैं सोच रही हूँ कि देखो या फिर मैं कुछ खिलाऊँ, तो खड़ा है देखो, देखती हूँ मैं फ्रिज में देखती हूँ, अगर मिर्ची हो तो मिर्ची ठीक है, नहीं तो मेरे को तो करेला बेस्ट लग रहा है, अपन मिर्ची तो नॉर्मली खिलाते, करेला बेस्ट लग रहा है। तो कहाँ जा रहे बाबू? कहीं नहीं बेटा, इधर ही आओ। तो मैं अभी जाके पहले देखती हूँ, फिर आपसे बताती हूँ ठीक है कि नहीं। चलो और अभी तेरा नेक्स्ट चैलेंज है, क्योंकि मेरे को करेला नहीं मिल रहा है सेंगा, तो या फिर ये है तेरी, नहीं मैं नहीं खाऊं, या फिर सेकंड है करेले की सब्जी रखी है पूरी 1 चम्मच खाना है, हाँ। चबा के डन। चलो ठीक है दिखाऊंगी। तो क्या बोल रहा है, ये खाएगा कि करेले की सब्जी 1 चम्मच पूरी भर के मैं चम्मच से खिलाऊंगी, जल्दी चम्मच, वो बड़ा वाला जार मत लेके आ जाना, बता करेला। चल ठीक है करेला। तो गाइज ये है करेले की सब्जी, और ऑब्वियसली कितना भी करेला बनाओ कड़वा तो होता ही, चाहे कितना ही मिर्च मसाला डालो, तो करेला तो था नहीं, कल रात की सब्जी बनी थी फ्रिज से डायरेक्ट लेके आयो, अब इसके मुंह में जाएगी, बोल रही थी मिर्ची खा ले, और पूरा चबाना है बाकायदा पूरा, हाँ वो को नहीं बहन ना छोड़ बेटा, तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तू भी खा, फैमिली पैक बाहर आ रहा है। ठीक है इतना होशियार है, दिन में क्या कि मम्मी के साथ पूजा में चला गया, इसको पता है मैं सो जाऊंगी, और अगर ये रहता तो मैं नहीं सोती, मैं इसके ये चला जाया करके मैं सो गई थी, और मैंने दिन में ज़्यादा कुछ मतलब कुछ इसके साथ प्रैंक या कुछ इसको मतलब ऑर्डर नहीं देना, तो होशियार बन रहा था। मैंने 6 बजे तक का, मुझे सुबह 6 बजे तक का टाइम है, सुबह 6 बजे तक का मैं इसको इतनी चीज़ें करूँ ना, इसका ये है बर्फ ठंडी है ना, मैंने इसको सोच के सोची, आ बाबू क्या करेंगे, चड्डी में डालेंगे, तेरे को अच्छा ठंडा लगना चाहिए, तेरे भाई बहन तेरे भाई, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, खड़ी तो मैं अपने हाथ से डाल, नहीं मैं डाल रही ना, तो सर नहीं आएगी, नहीं नहीं पीछे कर वो बैठ रहा बैठ रहा बैठ रहा बैठ रहा ठंडा गाइज़, अभी ना इसने बताई है कि ऑटो खड़ी ना, ऑटो के ऊपर डांस कराना है इसको, नागिन डांस सब है यहाँ पे, तो उसको करना तो पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर वो देखते हैं, तो अभी जाके मैं बोलती मिस्टी जाके बोलेगी, चल खड़े हो गए ऑटो के ऊपर, अरे आप तो देखो ऊपर ऊपर क्यों, अरे वीडियो है ना जल्दी कर, अरे जल्दी चलना कर, अब नाग स्विच नागिन डांस हेलो गाइस, फाइनली हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ, हमने बाबू को नागिन डांस प्लस कच्चा बादाम करवा ही दिया, एप्रिसिएशन ऐसे नहीं करो, अभी लगती है त्याग गई, अभी 12:30 हो रहे हैं, और बाबू भी सो गया है, वो भी ना सुबह से मन पूजे में गया था ना, मैं नहीं गई थी, तो वो सुबह 6 बजे उठ रहा था, थक गया तो मैं भी सो गया, अच्छा और मेरे को भी नींद आ रही, मैं भी जा रही हूँ सोने,
तो मैं शायद 6 बजे तक ब्लॉग कंटिन्यू, मतलब 6 बजे तक चैलेंज क्या ही कंटिन्यू रखो, सो गया, थक गया था ना ब्लॉग, तो यार मैं अपना ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगी, जितना शूट के बहुत मज़ा आएगी। तो मिलती हूँ कल आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।